हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु त्रिमूर्ति ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ वेडिंग पे, शूट पे। इस टाइम अभी फ़िलहाल मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, पेट्रोल डलवा रहा हूँ गाड़ी के अंदर अभी। ठीक है भैया, ऑन कर दो आप। तो भाई, शिमला पहुँच के आपको अपना वेडिंग का ब्लॉग दिखाऊँगा आपको सारा। मैं वेडिंग में कैसे कैसे शूट कर रहा हूँ। और मेरे साथ अभी तो यश है, ये अपना लाइट मैनिंग पे है, और अभी सिनेमैटिक वाला आएगा नितिन भाई, वो भी, उससे भी मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। बाकी नाइट की जर्नी आपको मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि नाइट में ड्राइव करूंगा मैं ही, अकेला बंदा हूं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं चलता हूं शिमला, पहुंच के आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, गाड़ी में फर्स्ट फ्यूल डलवा चुका हूं मैं, 2500 रुपये का, 25 लीटर 0.84 ग्राम पेट्रोल आया है, और गाड़ी में पेट्रोल डल चुका है बीट कार के अंदर। अब हम चलते हैं फटाफट अपनी बीट कार से शिमला की ओर। बताया था ना, भाई भी मेरे साथ आज जा रहे हैं, नितिन भाई। तो ये नितिन भाई आ चुके हैं, ये करेंगे वहाँ पे सिनेमैटिक शिमला में। और पीछे एक भाई और बैठे हुए हैं। भाई अपना नाम बताओ। अरुण है, अरुण नाम है भाई। और अब हम जा रहे हैं, निकल चुके हैं कश्मीरी गेट से। तो पहुँच के मैं आपको दिखाऊँगा शिमला में कैसे कैसे शूट कर रहे हैं हम। चलते हैं भाई, आगे की जर्नी देखते हैं। अभी तो नाइट व्यू है, बाकी मिलते हैं आपसे शिमला में, चलते हैं। ओके भाई। तो भाई हम जा रहे थे शिमला, हमने अभी यहाँ पे गाड़ी रोक ली अपने, यहाँ पे कौन सा है ये हवाई अड्डा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हूँ हवाई अड्डे के पास नितिन भाई के साथ, ठीक है। और दिखा देता हूँ पीछे आपको हवाई अड्डा, देख लो। अब चलते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं यार। आप भी देख लो भाई वीडियो में हवाई अड्डा, जल्दी जल्दी देखो फटाफट। अभी देंगे भाई 10-10 रुपए की आइसक्रीम तो दिलाई देंगे। वो बंद गेट चेक कर लिया ना। भाई 360 भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो आप, 360 भी लगा हुआ है, सिंगल बंदे के 100 रुपये, डबल बंदे के 150 रुपये। तो देख रहे हो भाई 360 सेल्फी रिंग भी लगी हुई है। और ये हवाई अड्डा के पास बिल्कुल ये रेस्टोरेंट नीचे भी है, देख रहे हो आप। चलते हैं भाई ऊपर। तो फ्रेंड चलते हैं हवाई अड्डे पे, मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ कितना प्यारा है ये रेस्टोरेंट। अगर आप आते हैं विजिट करते हैं तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट की फिनिशिंग है, और बहुत क्लीन है, नीट एंड क्लीन। हवाई अड्डे पे मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ, एरोप्लेन में आपको दिखाता हूँ भाई रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, देख लो भाई एयरलाइन इस तरह से। आपको अगर हवाई जहाज में बैठना है तो आप मसाज करा सकते हैं पैरों की, पेडीक्योर भी करवा सकते हैं आप। देख रहे हो फिश टैंक भी लगा हुआ है, ये छोटी छोटी फिश आपके पैरों का जो भी मैल वैल होगा वो खाएगी, स्किन को डेड स्किन खराब स्किन को हटा देगी। मतलब कितने रुपए चार्ज है भैया इसका? 150। देख रहे हो भाई, तो दिखाता हूँ मैं आपको अभी अंदर से सिटिंग एरिया दिखाता हूँ। ये रहा इसका लोगो, हवाई अड्डा मुरथल, यहाँ से इसकी एंट्री है। चलते हैं भाई अंदर। खोला हमने डोर,
तो भाई ये है अंदर से पूरा लुक, ये सिटिंग एरिया एक सोफे का इधर है, देख लो आप अंदर से इस तरह कैसे लुक है इसका। ये एक सिटिंग एरिया ये है, ये अपना बिलिंग काउंटर है, ये इसका लुक है। ये प्लेन का अपना बार है जिसमें आपको शेक वगैरह मिलने वाले हैं, यहाँ पे शेक वगैरह सब अवेलेबल है, देख रहे हो इस तरीके से चलते हैं। फिलहाल ये कैंटीन है इसकी, चलते हैं अंदर बाहर, आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपने तो आपने देख ही लिया होगा हवाई अड्डा रेस्टोरेंट मूर्थल बहुत ही अच्छा है, अंदर से मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो भाई जब भी आप अपनी फैमिली के साथ आओ इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। और ये दोनों प्लेन है, देखो इधर भी खड़ा हुआ है एक और इधर भी है। भाई आखिर नितिन भाई हमने एंट्री करी ली, यस है ना। यहाँ के भाई इंचार्ज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी एंट्री करवा दी। फिलहाल तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लिया हमसे भाई, तो फटाफट आ जाओ रेस्टोरेंट। बाकी हम चलते हैं शिमला भाई, बहुत जर्नी लंबी हमारी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोलन में शिमला। तो भाई सुबह के बज रहे 6, सबके होश उड़ चुके हैं, मेरा हाल देख लो क्या हो गया, नितिन भाई का हाल देख लो, भाई को चक्कर आ रहे हैं। भाई जब पहाड़ पे गाड़ी यूँ घूम रही है ना गोल, भाई को वोमिटिंग भी हो गई, पीछे दो का हाल पता नहीं क्या हो रहा है, कह रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। पर भाई मैं आपको अभी व्यू दिखाता हूँ पहाड़ का, नज़ारा ही देखना भाई जबरदस्त है। कोल्ड भी हो गया मुझे तो यार, ठंड है भाई यहाँ पे बहुत, शिमला में अभी भी ठंड है। और मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ अभी पता नहीं क्या होने वाला है, रूम वूम मिलेगा नहीं मिलेगा अभी देखते हैं भाई। अभी हमारे क्लाइंट अभी पहुँचे नहीं है, क्लाइंट को अभी टाइम लगेगा। बाकी मैं अभी पहुँच के आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, नज़ारा शिमला में सोलन का।
अपने वेन्यू पे आ चुके हैं भाई, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा ये होटल अपना। अभी हम इसमें चलते हैं, सामान वामन उतार रहे हैं भाई, चलते हैं रूम नंबर, अब देखते हैं कौन सा मिला है, चल के दिखाते हैं भाई। भाई यार रूम में सोते सोते यार थकावट सी हो गई है, देख रहे हो आगे कितनी लाल लाल हो गई हैं, और अभी भी देखो भाई ये ऐसे सो रहे हैं घोड़े पछाड़ के, ये देखो ये भाई ये इन्होंने इतने पापड़ बेल दिए रात में, देखो क्या सो रहे हैं। ओ भाई अभी तक मोबाइल में लगा हुआ है, उसे कोई असर ही नहीं है भाई, नींद आए चाहे ना आए। यहाँ भाई हमारी फटके चार हो गई बहन चू है, चलो अब देखते जरा, यश इधर इधर आज इन दोनों से मजे लेंगे, आता जल्दी आ रहा है अभी, यश टू वीडियो बना, चलो मैं ले रहा हूँ इनसे मजे, पहले तो कंबल उठा के ला, जो कंबल ला हुआ अब इनके इनकी देखता अंदर कहीं नंगे वंगे तो नहीं है। ओए 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 कैमरामैन की अलग पहचान बताऊं, देखो भाई के हाथ में टैटू, भाई कैमरामैन की पहचान है ये, और भाई की अल्ट्रा वॉच दिखा भाई, 8 अरे भाई 85,000 की वॉच है भाई, देखो भाई। और ये हमारा रूम है, ये हमारे को क्लाइंट ने हमें रूम प्रोवाइड किया, और भाई मजे आ रहे हैं पूरी रात सो सो के, अब करेंगे हम थोड़ी देर बाद शूट, शूट भी आपको दिखाएंगे फटाफट, थोड़ा सा पहले ना बाहर का व्यू दिखा दे यार, आ जा चलो भाई, आ जा बाहर चलते हैं, हमारे रूम की गैलरी है होटल की, भाई बाहर का नजारा देख सकते हो आप, हमारे सामने पूरा बाहर का नजारा भाई, मजा आ रहा भाई, बहुत तगड़ा वाला, बहुत तगड़ा वाला। और हमारी गाड़ी दिखाते भाई, गाड़ी दिखा दो, चलो भाई गाड़ी हमारी सामने, वाह अभी ये सारी यहाँ पे लगी हुई थी गाड़ी हमारी, जो दिल्ली से आई थी, जो दिल्ली से आई थी ना सारी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी, अभी एक आधी गई हुई है घूमने घूमने गए होंगे, ठीक है हम भी टाइम पे उठ गए, अब हम भी थोड़ा सा यहाँ घूम लेंगे एक आध घंटा, उसके बाद भाई फिर पूरे दिन शूट करना है, फिर रात में फिर दोबारा निकलना है दिल्ली के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, नहाते धोते हैं खाते पीते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर शूट पे चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे शूट, चले भाई चलो भाई चलो, ओके चलो भाई चलते हैं, आओ चलो आओ यार, इस भाई को इतनी ठंड लगने दे, जाकर फैल ली यार, जाकर फैल ली, चलो भाई चल रहे फटाफट। भाई भाभी से बात कर रहे हो क्या? देखो भाई भाभी से बहुत बात करते हैं हमारे भाई, प्यार पूरा है भाभी के साथ। और भाई तुम किससे चैटिंग कर रहे हो यार? भाई हम तो सिंगल लड़के हैं, ये सिंगल लड़के हैं यार। चलो भाई अब फटाफट इससे पूछते हैं भाई, कैसा रहा तुम्हारा सफर? भाई बढ़िया रहा, व्यू देखने को बढ़िया मिला, बस नींद बड़ी बढ़िया आ रही है। भाई रात भर मेहनत करी है ना, सोते सोते तुमने कार में है ना, तो नींद तो आएगी बढ़िया। चलो भाई चलते हैं, दिखाएंगे आगे की जर्नी क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। महंगे पर भाई कह रहे ठंडे पानी से नहाऊंगा, जल्दी से नहा के तू भी भाई। चलो
भाई यार मैं गलती कर दिया, साउंड से ना के आ गया यार। मेरी वाइफ ने मुझे मामाअर्थ का फेस वॉश दिया था, भाई देखो इस तरह के ये फेस वॉश है, बहुत महंगा फेस वॉश है, ऐसे करो और फॉर्म निकले हम मजे से ना के आओ। अब ये नहाएंगे भाई, नितिन भाई नहाएंगे इससे, मैं तो ना नहीं पाया। नितिन भाई आप यूज करना ठीक है, फिर बताऊंगा भाई मैं इसके बारे में, इसके बारे में फिर भाई बताएंगे ठीक है। अब फटाफट भाई, ठंड लग रही है, अभी पंजाब नहीं है, अभी देखते हैं फिर उसके बाद फटाफट। मैंने ना इससे हमने बहन चूतड़ सब पूछ दिया और भाई ने पूरा मुंह पोछ लिया यार, पूरा नहीं पोछा भाई, कहाँ तक पोछा था, यहाँ तक साफ दिखाओ ये बनियान, बनियान ऊपर करके दिखा दिखा दिखा, ये भाई देखो ये है ऋतिक रोशन की बॉडी। ये भाई कह रहे मैं बिना नहाए जाऊंगा, चलो भाई फटाफट हो जाओ रेडी। दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं शूट के लिए, सारी तैयारी हो चुकी है, मैं कैंडिड करूंगा और नितिन भाई सिनेमैटिक करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नितिन भाई आ चुके हैं और हमारा सिनेमैटिक कैमरा रेडी है। तो भाई अब चल रहे हैं फटाफट शूट पे, क्लाइंट की बार बार कॉल आ रही है, तो चलते हैं वहाँ पे, शूट दिखाते हैं आपको फटाफट। हम रेडी हो चुके हैं कैंडिडेट के लिए, भाई सिनेमैटिक के लिए। तो मैं आपको वेन्यू दिखा देता हूँ हमारा, जो शिमला में है, ये देखो ये रहा वेन्यू, डेस्टिनेशन वेडिंग है भाई, प्रॉपर देख रहे हो आप, चारों तरफ पहाड़ वादियाँ भाई, नज़ारे लगे। ग्रूम के गारमेंट टांग दिए, हैंग कर दिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ शूट। पूरा शूट हो चुका है वेडिंग का, तो हम यहाँ पे अब डिनर चल रहा है, मेरा तो फास्ट है भाई। तो ये नितिन भाई लगे पड़े हैं खाने में, और हमारे भाई भी शिमला से फोटोग्राफर है गोपाल ठाकुर के नाम से, और ये भाई कोट पैंट पहन के बैठे शादी में, और ये भाई देखो और कौन है, हाँ ये भाई भी हमारे वीडियोग्राफर शिमला से,
गोपाल स्टूडियो से। तो भाई दिल्ली पहुंचेंगे, थके थकाए हैं, बुरी हालत हो चुकी है, ठीक है। दिल्ली पहुंच के आपको व्लॉग दिखाएंगे, पूरा एंड तक देखना इस व्लॉग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। चलते हैं दिल्ली। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो मेरा आप ये वाला ब्लॉग देख रहे हो इसको एंड तक जो आप देखोगे, तो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा। वो कैसे हुआ, हमने शिमला तक मैंने आधा पहाड़ क्रॉस कर चुका था, तो भाई बोले कि आशु भाई आप साइड में बैठ जाओ, मैं चला लेता हूँ नितिन भाई, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई आप चला लो। तो नितिन भाई गाड़ी चलाने लग गए, उनको अम्बाला चंडीगढ़ के टोल के पास उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी, उनको नींद आने लगी तो उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी। हम 3 बजे से 5 बजे तक हम वहाँ पे आराम से सो भी गए थे गाड़ी में। सोने के बाद नितिन भाई से एक गलती हो गई, जो कि उन्होंने मुंह नहीं धोया और उनकी दोबारा आँख लग गई, उन्होंने गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी और गाड़ी का देखो क्या हाल हुआ है, किस कंडीशन में गाड़ी हो चुकी है। तो भाई अगर मेरे आप ये व्लॉग देख रहे हो तो भाई आप कभी भी आपको लंबे रूट पे अगर नींद आए तो भाई आप सो जाओ, अच्छे से मुंह वॉश वगैरह करके फिर कार ड्राइव करो। अदरवाइज अगर नींद आती है तो आप वहीं स्टे वगैरह कर लो। भाई देखो मेरी गाड़ी का हाल क्या हुआ है, कल को आपकी गाड़ी का ना हो, भगवान ने चाहा किसी के साथ ना हो ऐसा। तो भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरा ये व्लॉग देखा है एंड तक, तो भाई मेरी गाड़ी की कंडीशन देख लो। दिल्ली में गाड़ी को टो करा के लाया हूँ, आज गाड़ी मेरी स्क्रैप में जा रही है, कोई काम की नहीं रही मेरी गाड़ी, ठीक है। तो भाई आपको कभी भी नींद आए नाइट ड्राइव पे तो साइड में लगा के आप सो जाओ, मेरा मानना ये है। और अगर आपको चलना है तो मुंह वॉश वगैरह करके तब चलिए, नहीं तो आपकी गाड़ी का भी मेरी गाड़ी जैसा हाल हो जाएगा। तो भाई जिस भाई ने एक्सीडेंट करा है तो उस भाई की फ़ोटो भी एंड में डाल दी है मैंने, वो भाई के थोड़ी सी चोट आई है, बाकी हम 4 बंदे पूरे सेफ हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग लाता रहूँगा, बट उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट होगी मेरी। चलिए डिवाइडर पे चढ़ जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो, रुक दो।